हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रिएक्शन वीडियो बनने वाली है वो बनने वाली एक हॉरर मूवी पे जो आ रही है, शैतान। गुजराती मूवी थी वश, शैतान। तो हम शैतान मूवी का टीज़र देखने वाले हैं जिसके स्टार कास्ट है अजय देवगन, ज्योतिका एंड आर माधवन है। स्टार कास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो मूवी भी अच्छी होगी। जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं विकास बहल। विकास बहल ने वैसे तो इससे पहले काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप मूवी दिए हैं। गणपत हो गई और एक दूसरी वो गुड बाय काफ़ी ज़्यादा थी जो लगातार फ्लॉप होती जा रही थी। एक 2015 में शानदार भी थी, वो भी फ्लॉप हुई। मेरे ख्याल से एक अच्छी, हाँ, क्वीन मूवी जो थी वो थी, ठीक थी। वो ज़्यादा हिट भी नहीं, पर वो काफ़ी अच्छी मूवी रही, फ्लॉप नहीं रही, काफ़ी अच्छी थी। तो उसे विकास बहल ने ही ये डायरेक्ट की है तो पता नहीं मूवी कैसे होगी, बट जो स्टार कास्ट है वो तो काफ़ी तगड़ी है, तो मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसका टीज़र देखेंगे और टीज़र देखने के बाद पता चलेगा कि मूवी दमदार है या नहीं है, क्या लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे इसे देखने के लिए। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है, पर सुनते सब मेरी है। काले से भी काला मैं, बहकावे का प्याला मैं, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूं मैं, नौ लोक का जहर भी मैं, दवा भी मैं। चुपचाप सदियों से सब कुछ देखता एक खामोश गवाह भी मैं रात हूं, मैं शाम हूं, मैं कायनात तमाम हूं। बनाता बिगाड़ता समेटता मरोड़ता, लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। एक खेल है, खेलोगे? इस खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मत आना। टीजर जो था काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, काफी ज्यादा डरावना था। जो स्टार्टिंग में ही राम माधवन जी की जो आवाज़ थी भारी सी बिल्कुल, और उसमें जो डरावनापन था वो साफ दिख रहा था। बहुत ही भारी आवाज़ थी उनकी, और उसमें वो बोल रहे थे काले से भी काला मैं, बहकावे का प्याला मैं, और भी काफ़ी ज़्यादा था। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है मूवी। इसमें शायद से ऐसा है कि जो राम माधवन जी हैं वो एक तांत्रिक का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके अजय देवगन की फैमिली को परेशान करने वाले हैं। क्या पता कुछ रिवेंज हो सकता है, रिवेंज के कारण ही कुछ वो परेशान करने वाले हैं उसकी फैमिली को। और इसमें जो अजय देवगन की बेटी का जिसने रोल प्ले किया है, वो उसी ने गुजराती मूवी में वश में लीड रोल प्ले किया था, तो वो यहाँ शैतान में अजय देवगन की बेटी का रोल प्ले करी है, जिनका नाम है जानकी बोडीवाला। वही इस मूवी में भी अजय देवगन की बेटी का रोल प्ले करने वाली है, तो मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लास्ट में एक डायलॉग और था जिसमें वो बोल रहे हैं एक खेल है, खेलोगे? पर इस खेल का एक ही नियम है, मैं चाहे कितना भी बुलाऊं मेरे बहकावे में मत आना। और लास्ट में जो उनकी हंसी थी, भयंकर हंसी थी, तो मूवी काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है। इस मूवी से विकास बहल क्या करके दिखाते हैं, क्या पता इसमें कुछ नया करके दिखा दे। इससे पहले तो सारी उन्होंने फ्लॉप दी। तो ये जो मूवी है 8 मार्च को थिएटर में आने वाली है, रिलीज डेट जो है इसकी 8 मार्च को है, और इसमें स्टार कास्ट काफ़ी तगड़ी है, तो मूवी भी शायद से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टीज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मूवी भी अच्छी होगी। जब इसका टीज़र ही इतना इम्प्रेसिव है तो मूवी ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो मैं तो अकेले नहीं जाऊंगी, फैमिली के साथ जाऊंगी, क्योंकि मुझे हॉरर मूवी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये टीज़र कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।